नमस्कार, प्रणाम। आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता बंधु हैं, जैसा कि हमारी वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आज का वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, सहारा इंडिया का भुगतान का मामला काफ़ी दिनों से आप लोग देखते हुए चले आ रहे हैं। कई वर्ष बीत चुके हैं, हम लोगों का भुगतान नहीं मिल पाया है। दोस्तों, भुगतान मिलने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग से आप लोगों का भुगतान मिल सकता है। कौन सा रास्ता है, किस प्रकार से हम लोगों का भुगतान मिल सकता है, आपको क्या करना होगा, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। और शायद आप लोग जानते भी होंगे, कोई रास्ता हार्ड नहीं है और कोई काम करना हार्ड नहीं है, आप लोगों को मालूम भी होगा, तो उसी की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे हम लोगों का भुगतान मिलने वाला है और 100 में 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोगों का भुगतान मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को हम एक भुगतान के बारे में चुनावी जनसभा से जो बात चली है भुगतान को लेकर के, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी को मालूम है कि हम लोगों का भुगतान सिर्फ और सिर्फ सरकार के कारण ही रुका हुआ पड़ा है। अगर सरकार इस पर थोड़ा बहुत भी एक्शन ले लेती तो हम लोगों का भुगतान मिल जाता। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो एक खबर निकल कर आ रही है, इसकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है झारखंड के गोड्डा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रदीप यादव। दोस्तों, चुनाव चल रहा है, उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा में क्या कहा है सहारा इंडिया के मामले में, बहुत ही मोटिवेशनल बात कही है, तो आइए जानते हैं। अपनी जनसभा में इन्होंने बताया है, सबसे पहले वादा किया है सहारा पीड़ितों से, यदि वो जीत जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है, सबसे पहले संसद में अपनी बात रखेंगे सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के, यानी कि उनकी प्राथमिकता रहेगी सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान दिलाने की। जितने भी सहारा इंडिया से पीड़ित हैं, सहारा से पीड़ित निवेशक हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है, उन्होंने बताया है जैसे ही हमारी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं प्रदीप यादव झारखंड के गोड्डा से, तो इनसे जो है निवेशकों ने सवाल किया और अपनी बातें रखी कि हमारा पैसा सहारा इंडिया में इतने दिन से फंसा हुआ है, लाखों में पैसा फंसा हुआ है, अनेक हमारे यहाँ कार्यकाज हैं, उनका पैसा न मिलने से अनेक सामना करना पड़ रहा है मुसीबतों का और कार्यों को टालना पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया है एकमात्र रास्ता इस समय है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है, काफ़ी दिनों से ये मुद्दा चल रहा है, पिछले 10-12 सालों से इसको लेकर सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए बैठी है और माननीय अमित शाह जी भी पोर्टल लाए, उसके माध्यम से भी भुगतान हो नहीं पाया। चुनाव फिर से आ गया है लेकिन भुगतान को लेकर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन्होंने बताया है यदि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम गरीब सहारा पीड़ितों के भुगतान दिलाने का कार्य करेंगे। और दोस्तों, ये मैं भी मानता हूँ, जब तक गवर्नमेंट बदलेगी नहीं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ये लोकतंत्र की रोटी है, जब तक लोकतंत्र की रोटी पलटेगी नहीं तब तक हम लोगों का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोकतंत्र की सरकारें जब तक बदलेंगी नहीं
तब तक विकास में बदलाव नहीं होगा। और लोकतंत्र का बदलाव यानी कि लोकतंत्र का जो चुनाव है उसकी पार्टी जो बदल जाती है, अगली बार कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, वही विकास की जननी है। ये सभी लोगों को मालूम, यह नहीं है जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है यही अच्छा कार्य कर रही है, इससे अच्छा भी कोई नेता आएगा उसके मन में भी आइडिया है, दिमाग है, वो भी इससे अच्छा कार्य कर सकता है। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से हमारे गरीब सहारा पीड़ितों का भुगतान के बारे में कोई भी सुनवाई नहीं की है, तो इससे यही लग रहा है कि भुगतान हम लोगों का नहीं मिल पाएगा और न मिल पाया है। तो इन्होंने बताया है कि सहारा पीड़ितों का भुगतान दिलाने की सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। इन्होंने जो न्याय आप सभी को 10 साल में नहीं दिला पाया है भुगतान को लेकर के, न्याय आपको हमारी जीत के बाद में देखने को मिलेगा, ये बात कह रहे हैं। और दोस्तों, वहीं के निवेशकों ने अमित शाह की रैली में सीधा सवाल किया, भाई इस समय रैलियां सभी हो रही हैं, चुनावी जनसभाएं लग रही हैं, वहीं निवेशकों ने सवाल किया कि हमारे जितने भी गरीब सहारा पीड़ित हैं, हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है, लाखों की संख्या में भुगतान फंसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसको लेकर के सरकार पहली बात तो चुप रहती है, मौन धारण कर लेती है, लेकिन उसके बाद में तो जवाब वही घिसा पिटा जवाब निकल कर आया कि फिर से सरकार बनने पर आपका पाई पाई भुगतान लौटा दिया जाएगा। यानी कि वही घुमा फिरा कर घिसा पिटा सवाल हम लोगों के समक्ष कर दिया जाता है, मतलब सरकार बनवा दो इनकी, फिर से भुगतान के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे गरीब सहारा पीड़ित ये कार्य बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं, अनेक प्रकार से उनको कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। और वहीं बात की जाए प्रधानमंत्री की, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी अनेक वादे किए हैं, हर एक क्षेत्र में वादे करते हैं, लेकिन सहारा इंडिया मामले के भुगतान में फंसे निवेशकों को अगर कहा जाए तो 1% सुनवाई नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चुनाव चल रहा है, हो सकता है आपके यहाँ चुनाव ना हुआ हो, कई जगहों चुनाव हो गया है, इसमें अगर बदलाव लाना है, भुगतान लेना है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव की ताकत है हम लोगों के पास, जो मत है इस समय, जो हम लोगों को अधिकार मिला है मत करने का, ये टाइम हम लोगों के पास है, इससे ही हम लोग जवाब दे सकते हैं, तभी हम लोगों का भुगतान मिल सकता है। इसी बात को हम विराम करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।